thank you साथियों बालमास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं आपका साथी दीपक सिंह राजपूत साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेष अवस्था की आइए शुरुआत करते हैं साथियों उसके पहले हम बात करते हैं अवस्थाओं के वर्गीकरण की साथियों अवस्थाओं के वर्गीकरण की बात करें तो कई मनोविज्ञानिकों ने अवस्थाओं का वर्गीकरण अपने अपने हिसाब से किया है इसमें जो सर्वाधिक सर्वमान्य है वो हाइलॉक का वर्गीकरण है बताती हैं कि जो गर्भावस्था होती है साथियों इसका उसका समय गर्भाधान से जन्म तक होता है किसका गर्भावस्था का समय गर्भाधान से जन्म तक होता है और जो इन्होंने सैरसावस्था का समय बताया है वो बताया है जन्म से चौदह दिन तक यानी जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत तक इन्होंने शैशवावस्था का समय बताया है किसने हर ने बचपन अवस्था का समय बताया है तीसरे सप्ताह से दो वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था का समय बताया है तीन वर्ष से छः वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है सात वर्ष से बारह वर्ष तक व्य संधि का समय बताया है बारह वर्ष से तेरह या चौदह वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था का समय बताया है तेरह वर्ष से सत्रह वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था का समय बताती हैं ये अठारह वर्ष से इक्कीस वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था का समय बताती हैं इक्कीस से चालीस वर्ष तक मध्यावस्था का समय इकतालीस से साठ वर्ष तक वृद्धावस्था या जरावस्था का समय बताती है साठ से मृत्यु मृत्युपर्त तो आपको इसमें जो मुख्य याद रखना साथियों कि जो हाइलोक के अनुसार शेषोवस्था की जो अवधि है वो क्या है जन्म से चौदह दिन तक है ना जन्म से चौदह दिन तक यानी दूसरे सप्ताह के अंत तक ये तो हलोक की बात एकदम एक बर्गी आता है साथियों रोस का रोस कहते हैं कि शेषोवस्था का जो समय होता है वो होता है एक से तीन वर्ष तक कहीं कहीं लिखा रहता है जन्म से तीन वर्ष लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको एक से तीन वर्ष तक और जो पूर्व बाल्यावस्था का समय बताते हैं यह बताते हैं तीन से छः वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था का समय बताती है छः से बारह वर्ष और किशोरावस्था का समय बताते हैं बारह से अठारह वर्ष ठीक है साथ ही तो हुई रोस के वर्गीकरण की बात एक आता साथ सामान्य वैगिकार्ड सामान्य वैगिकार्ड सामान की बात करें जो कि अन्यठ जॉन्स ने दिया है जिनको सर्वाधिक माना जाता है इन्होंने कहा है कि शेषावस्था का समय जो होता है वो होता है जन्म से छ वर्ष तक बाल्यावस्था का समय होता है छः से बारह वर्ष तक और किशोरावस्था का समय होता है बारह वर्ष से अठारह वर्ष तक ठीक है ये छः वर्ष से यानी छः वर्ष के बाद से बारह वर्ष तक बारह वर्ष के बाद से ये अठारह वर्ष तक, तक ये किसने कहा अर्नेस्ट जॉन्स ने ये तो ये था किसका वर्गीकरण अर्नेस्ट जॉन्स का जिनके वर्गीकरण को सर्वाधिक माना जाता है अब हम बात करें साथियों क्रम से विकास की अवस्थाओं की साथियों गर्भावस्था इसके समय काल की बात करें तो भ्रूण माँ के गर्भ में भ्रूण प्रवेश के समय से जन्म तक यानी नौ माह दस दिन गर्भावस्था का समय होता है यदि हम दिन में बात करें तो दो सौ अस्सी दिन ठीक है और इसके बाद गर्भावस्था के बाद जो अवस्था आती है वो आती है अवस्था जिसका समय काल होता है साथियों जन्म से पाँच वर्ष के अंत तक यानी छः वर्ष के पहले तक ठीक है बाल्यावस्था का समय होता है छः वर्ष के बाद से शुरू होता है जो चलता है आपके बारह वर्ष तक और किशोरावस्था का समय होता है साथियों तेरह वर्ष से अठारह वर्ष तक इसके बाद आती है पूर्णावस्था जिसका अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान बाल विकास में नहीं करते हैं जो कि उन्नीस वर्ष से ऊपर होती है यह वर्गीकरण मनोविज्ञान के अनुसार अलग अलग होता है साथियों और मुख्य रूप से पांच अवस्थाएं होती हैं और प्रौढ़ अवस्था का अध्ययन बाल विकास में हम नहीं करते हैं साथियों आपको एक बात याद रखनी है कि जो अवस्थाओं का ये वर्गीकरण होता है ये कभी भी वर्ष के आधार पर नहीं किया जाता कभी भी वर्षों के आधार पर इन अवस्थाओं का वर्गीकरण नहीं हुआ है इसलिए आपने देखा होगा कोई मानता है सर्ष अवस्था का समय जन्म से चौदह दिन तक कोई मानता है एक से तीन वर्ष तक कोई मानता है जन्म से छः वर्ष तक ये क्या है आपको यहाँ क्या पता चलता है कि इन अवस्थाओं का वर्गीकरण कभी भी वर्षों के आधार पर नहीं हुआ है इन अवस्थाओं का जो वर्गीकरण हुआ है साथियों वो बालकों के विकास के आधार पर मानसिक विकास शारीरिक विकास उसके सामाजिक विकास इन सबको देख के उनके विकास के आधार पर इन अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है ठीक है इसलिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों में उनकी अवधियों में अंतर है ठीक है लेकिन आपको जो सामान्य रूप से याद रखना है वो ही कि गर्भावस्था का समय जीरो से जन्म तक और शेषावस्था का समय जन्म से छः वर्ष तक और बाल्यावस्था का समय छः से बारह वर्ष तक और किशोरावस्था का समय बारह से अठारह वर्ष तक ठीक है आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि आप यदि मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आपको ये गलती नहीं करनी होगी क्या कि साथ जो गर्भावस्था का समय है किसका गर्भावस्था का समय है जो वो तो होता है जीरो से लेके जन्म तक ठीक है जब तक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता लेकिन जो शेषोवस्था का समय है साथियों वो होता है जन्म से कई लोग कई टीचर यह जो शेषोवस्था का समय बताते हैं वो बताते हैं जीरो से है ना जीरो से छ वर्ष ये गलत है यदि आप जीरो बता देते हैं शेषोवस्था का समय तो साथियों एक किशोर एक गर्भावस्था का क्या होगा फिर गर्भावस्था का क्या होगा इसीलिए शेषोवस्था का जो समय आरंभ होगा हमेशा वो होगा कब से जन्म से ना कि जीरो से जीरो से नहीं करोगे आप कभी जीरो से आरंभ होता समय वो होता है गर्भावस्था का वो जो का समय आरंभ होता है वो होता है जन्म से ठीक है और जीरो आप तब मानते हैं जब माँ के गर्भ में भ्रूण का प्रवेश होता है तब वो जीरो होता है ठीक है तो गर्भावस्था का समय भ्रूण से जन्म तक और शैषोवस्था का समय जन्म से छ वर्ष तक ठीक है साथ ही जो हम अध्ययन करेंगे हर अवस्थाओं में वो करेंगे उनके विकास के पक्षों की जिसमें हम बात करेंगे उनके शारीरिक विकास की मानसिक विकास की सामाजिक विकास की नैतिक विकास की, की और उनके भाषाई विकास की और साथ ही साथ हम करेंगे बात उनके संवेगात्मक विकास की आप लिख लीजिएगा यहाँ पे संवेगात्मक विकास की भी बात करेंगे तीन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे हम शैसावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था और हर अवस्थाओं के ये पक्ष हैं ये विकास इनके पक्ष हैं पाँचें छः इनकी हम बारी बारी से बात करेंगे आइए शुरुआत करती हैं हम शेषावस्था की नोट्स को आप अपने सामने रखिए या फिर आप बाद में जो कुछ बातें मैं बताते जाता हूँ साथियों उनको आप नोट करते जाना ठीक है कुछ बातें मैं अलग बताऊँगा साथियों यदि हम किस समय काल की बात करें तो शेषोवस्था का समय जन्म से पाँच या छः वर्ष तक कब तक जन्म से पाँच वर्ष के अंत तक और छठ वर्ष के पहले तक क्या होता है शैसो का समय होता है शैसोवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें कथन है वैलेंटाइन महोदय का जो कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है कौन कहते हैं वैलेंटाइन महोदय इसको आप ऐसे याद रखेंगे साथियों चौदह फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आदर्श दिन होता है है ना तो जो आदर्श वाली बात है आदर्श काल वाली बात है वो किसने कही वैलेंटाइन ने नेक्स्ट कथन ने है साथियों हर लॉक महोदया का जो कहती हैं शैसावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है किसने कहा हर लॉक महोदया ने साथियों इसको आप इस तरह की से याद रखेंगे जैसे आप किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दोगे है ना आप क्या कर दोगे लॉक कर दोगे तो क्या करेगा वो आपके लिए बाहर निकलने के लिए क्या करेगा अपील करेगा आपसे है ना और उसका जो घर में जब बंद हो जाएगा तो उसके लिए कैसा हो जाएगा वो खतरनाक हो जाएगा ना है ना तो लॉक कर देने पर वो आपसे क्या करेगा अपील करेगा तो अपीली काल और ख़तरनाक काल वाली बात किसने कही है हर लोक महोदया ने इसका साथियों आपको इस तथ्यात्मक जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा बाल विकास संक्षिप्त वीडियो में इसके ऑलरेडी वीडियो बना दिए गए हैं तो आप वहाँ जाके आप विस्तृत रूप से देखें यहाँ पे मैं संक्षिप्त बताते हुए आगे निकल जाऊँगा ठीक है साथियों कथन आता है सिंगमन फैड का जो कहते हैं कि चार पाँच वर्ष में बालक वह बन जाता है जो है भावी जीवन में बनता है कौन कहते हैं ये कहते हैं सिंगमन फैड क्या कहते हैं चार पाँच वर्ष में बालक वह बन जाता है जो है भावी जीवन में बनता है एक परिभाषा साथी गुड़ एनब की यह कहते हैं व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है या जितना होता है उसका आधा तीन वर्ष में हो जाता है कौन कहते हैं गुड़ इन अप इसके अतिरिक्त साथियों कुछ परिभाषा और भी हैं कुछ कथन और भी हैं शता के संबंध में उनकी बात कर लेते हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा एक कथन आता है साथियों न्यू मैन का किसका न्यू मैन का इनको आप लिख लीजिएगा न्यू मैन कहते हैं साथियों पाँच वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए क्या कहते हैं पाँच वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए पाँच वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत गृहड़शील होती है बहुत गृहशील होती है ठीक है ये कौन कहते हैं न्यूमैन क्या कहते हैं पाँच वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है आप कैसे याद रखोगे न्यू न्यू मतलब नया यानी जब नया होगा तभी तो आप बहुत ग्रहण करोगे ना किसी बात को तो न्यू मैन क्या कहते हैं पाँच वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है आगे कथन आता है एक और जो दिया किसने जॉन लॉक ने किसने दिया साथियों जॉन लॉक ने इन्होंने शिक्षा को तीर्धवीय प्रक्रिया कहा है यह कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है यह उस पर अपने अनुभव लिखता है जो हम लोग क्या कहते हैं बालक का मस्तिष्क बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है कोरी स्लेट है यह उस पर अपने अनुभव लिखता है यह उस पर अपने अनुभव लिखता है कौन कहती हैं तो ये कहती हैं जॉन लॉक क्या कहती हैं बालक का मस्तिष्क को है वह उस पर अपने अनुभव लिखता है एक कहती हैं कौन जॉन लॉक ठीक है आगे एक और कथन आता है शस्वस्था के संबंध में जो दिया है ब्रिजेश ने इसने दिया ब्रिजेश महोदया ने दिया है ब्रिजेश महोदया ने कहीं कहीं नाम इनका नाम ब्रिजेश मिलता है साथ ही वह कहती हैं ये कहती हैं कि दो वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है क्या कहती हैं दो वर्ष तक की दो वर्ष तक की उम्र तक में बालक में लगभग बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है सभी संवेगों का विकास हो जाता है कौन कहती हैं ये कहती हैं ब्रिजेश महोदया क्या कहती हैं दो वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है ठीक है तो क्वेश्चन ये भी आ जाता ये आज आ सकता है कि कितनी उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेदों का विकास हो जाता है तो आपका सही उत्तर क्या होगा दो वर्ष तक कथन में भी आ सकता है कि दो वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संजय सभी संवेदों का विकास हो जाता है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका साथियों ब्रिजेश महोदया का ये कथन और है स्वास्थ्य के संबंध में बो दिया किसने एडलर ने एडलर यह कहते हैं साथियों शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है क्या कहते हैं शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है कौन कहते हैं एडलर महोदय क्या कहते हैं शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है यह किसने कहा साथू एड एड ने आप इसका चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है एक और कथन आता है यह दिया साथियों स्ट्रेंग ने किसने दिया स्ट्रेंग ने ये साथियों कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं इसलिए इनको बताना बहुत जरूरी है स्ट्रेंग कहते हैं साथियों प्रथम दो वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है क्या कहती है प्रथम दो वर्षों में बालक अपने अपने भावी जीवन की सिला रखता है किसने कहा ने। इन्होंने किशोर बाल्यावस्था में भी एक कथन दिया है आगे पढ़ेंगे हम क्या कहा स्ट्रैंग ने प्रथम दो वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधार रखता है किसने कहा यह कहा स्ट्रेंग ने तो हमने बात की साथियों यहाँ पे सिंगमन फ्रायड के कथन की बेलेंटाइन के कथन की गुड इनअप हाई जॉन लॉक न्यूमैन ब्रिजिस एडलर और स्ट्रेंग के कथन की लगभग हमने आठ नौ कथन की बात कर ली है इनको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है आगे हम बात करते हैं तो साथियों हर अवस्था से संबंधित कुछ उपनाम होते हैं आप सब जानते हैं इनकी बात कर लेते हैं साथ ही उस शैसोवस्था का पहला अपना है क्षणिक संवेग की अवस्था वो क्यों क्योंकि तो इसके जो संवेग होते हैं साथ ही कुछ ही समय के लिए होते हैं कभी वो उस कुछ समय में भी हंस देता है कुछ समय में तो रोने लगता है तो ये क्या क्षणिक छठिक संवेग की अवस्था आतार्किक चिंतन की अवस्था ठीक है बालक इसमें जो तर्क करता है वो कैसा होता है जो सॉरी जो चिंतन करता है वो कैसा होता है आतार्किक होता है ठीक है जीवन का महत्वपूर्ण काल और खिलौने की आयु भी किसको कहा जाता है शैसो अवस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भावी जीवन की आधारशिला और संस्कारों के निर्माण की, की अवस्था ये क्या है अवस्था के उपनाम है यहाँ पर मैं विस्तृत व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले वीडियो बन चुका है उपनाम से संबंधित तो आप इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए क्योंकि यहाँ यदि हम यहाँ पर डिटेल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है तो आपको यह याद रखना है जो शैसो अवस्था से संबंधित उपनाम है वो क्या है छठ एक सम्भिक की अवस्था आतार्किक चिंतन की अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल खिलौनों की आयु अनुकर द्वारा सीखने की अवस्था भावी जीवन की आधारशिला संस्कारों के निर्माण की अवस्था ठीक है अब हम बात करते हैं सैसो अवस्था की प्रमुख विशेषताओं की इस विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है साथियों अवस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है वो क्यों क्योंकि शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है और शेष अवस्था जीवन का आधार होती है साथियों बालक का मस्तिष्क बिल्कुल नया नया होता है आप जो भी बात सिखाओगे वो क्या करेगी किसी अन्य बात के साथ उसका टकराव नहीं होगा क्योंकि हम लोग हम लोग जो सीखते हैं तो हमारा पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ क्या करता है टकराव करता है इसलिए हम कोई भी बात को आसानी से नहीं सीख पाते लेकिन एक जॉन लॉक ने भी कहा है कि कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है इसलिए आप जो भी लिख देते हो उसको सीख जाता है ठीक है तो इस कार्य क्या है भावी जीवन को प्रभावित करती है आगे बात करें हम तो दूसरी विशेषता है इसकी कि शेषावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता के साथ होता है मानसिक विकास की बात करें साथियों तो गुड़े एन एफ ने भी कथन दिया है इस संदर्भ में क्या दिया था कि व्यक्ति के मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा तीन वर्ष में हो जाता है तो साथियों तीन वर्ष में कितना हो जाता है मानसिक विकास पचास प्रतिशत और शैषावस्था के अंत तक लगभग नब्बे प्रतिशत मानसिक विकास हो जाता है कितना हो जाता है नब्बे प्रतिशत मानसिक विकास हो जाता है और आगे बात करें अगर तो साथियों दस वर्ष जो बाल्यावस्था का दस वर्ष होता है यहाँ तक उसका पंचानवे प्रतिशत मानसिक विकास हो जाता है और लगभग सत्रह से बीस वर्ष की उम्र तक उसका सौ प्रतिशत मानसिक विकास हो जाता है ठीक है तो क्या जाना है आपने तीन वर्ष में पचास प्रतिशत मानसिक विकास लगभग छः वर्ष में उसका नब्बे प्रतिशत मानसिक विकास दस वर्ष में पंचानवे प्रतिशत मानसिक विकास और सत्रह से लेके बीस वर्ष की उम्र के मध्य उसका संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है ठीक है तो जो बालक जो शैसावस्था होती है इसमें बालक का लगभग नब्बे प्रतिशत मानसिक विकास हो जाता है आगे बात करें तो सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है आपको पता है क्योंकि बालक का मस्तिष्क कोई स्लेट होता है और इसका मानसिक विकास भी तीव्र होता है आगे यहाँ पे जो यहाँ बताया गया है साथी इसका तात्वर्य है कि शेष अवस्था की छः वर्षों में बालक उतना सीखता है जितना वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बारह वर्षों में सीखता है यानी छः वर्षों छः वर्षों इन बारह वर्षों में बालक जितना सीखता है उतने ही बराबर इसमें कि किस में सीख जाता है और शेष अवस्था में सीख जाता है इसलिए यह सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है शहसावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है हर नई वस्तु जो उसके सामने होती है उसको वह बारे में जानना चाहता है ठीक है शिशु में शब्दों वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है यदि आपने शिशु को कोई शब्द सिखा दिया जैसे पापा सिखा दिया तो दिन भर वो पापा 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 बोलता रहेगा और सही नहीं बोल पाएगा तो वैसे बोलेगा तापा पाता पाता है ना वो तो धीरे धीरे बोलते बोलते वो क्या करेगा दोहराते दोहराते शब्द को सही बोलना सीख जाता है आप कोई काम करोगे काम करने दोगे तो उसी काम को वो बार बार करेगा जैसे आप कहोगे बेटा नमक उठा के लाओ है ना तीन चार वैस के बालक को कहो नमक उठा के लाओ तो यदि आप उसने आपने उससे एक बार कहा तो यदि आपको आवश्यकता भी नहीं होगी ना नमक की तब भी बार बार आगे कहेगा कि पापा ही नमक लीजिए पापा नमक पापा नमक है ना तो शब्दों वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है साथ ही शैसवावस्था में शिशुओं में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है बालक इतनी सक्षम नहीं होते कि वो अपने काम को स्वयं कर सकें मल त्याग है ना भोजन करना पानी पीना इन सब के लिए वो क्या करता है दूसरों पर निर्भर रहता है ठीक है तो असहायता और पर निर्भरता असहायता मतलब ऐसे कि, कि किसी की वो सहायता नहीं कर सकता है यानी किसी को आ, कुछ जरूरत है किसी की कुछ मतलब किसी को सहयोग चाहिए तो उसकी सहयोग नहीं कर सकता और पर निर्भरता तो उसमें पाई ही जाती है आगे साथ ही जो महत्वपूर्ण विशेषता है बहुत ही महत्वपूर्ण है इंपोर्टेंट है इसको आप मोस्ट कर लीजिएगा शेष अवस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है सात सिंहमन फैड कहते हैं यह विशेषता जो बताई है वो बताइए किसने ने यह कहते हैं कि शेष अवस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है आत्म प्रेम को ही क्या कहती है क्या लिखा मिलता है कभी कभी स्वप्रेम स्वप्रेम या आत्म मोह क्या मिलता है नाम स्वप्रेम या आत्म मोह ठीक है वर्ड्स इंग्लिश में क्या कहते हैं नार्सो सिज्म तो सिमन ने कहते हैं कि शैशव अवस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है यानी बालक स्वयं में केंद्रित होता है ठीक है नेक्स्ट है अवस्था में व्यवहार की व्यवहार मूल प्रवृत्तियों और संवेगों पर आधारित होता है है ना तो संवेगात्मक जो उसका आरंभिक व्यवहार होता है वो कैसा होता है संवेगों पर आधारित होता है रोना अप, रोना क्रोध भय प्रेम हर्ष ये क्या है संवेग है है ना तो शेषोवस्था में जो बालक का व्यवहार होगा, हो तो तो होगा वो कैसा होगा साथियों संवेगात्मक व्यवहार ठीक है यदि मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो ये कैसे होती है जन्मजात होती है ठीक है और जो उसका जन्मजात व्यवहार होगा वो कैसा होगा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा ठीक है दो वर्षों में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं और जो शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वो कौन से होते हैं क्रोध प्रेम घृणा भय ठीक है एक साथ नाम आता है किसका बाटसन महो बाटसन का बाटसन कहते हैं कि शिशुओं में जन्म के समय तीन संवेग होते हैं कितने तीन संवेग होते हैं कौन कौन भय क्रोध और प्रेम ठीक है और जन्म के समय ब्रिजेज महोदय कहती हैं जन्म के समय कौन सा सम्भिक पाया जाता है उत्तेजना नामक सम्भिक पाया जाता है कौन है? कहती हैं ब्रिजिज कहती हैं ठीक है नेक्स्ट है ये लिखा है देखो जन्म के समय उत्तेजना नामक संभिक पाया जाता है कौन कहती है ब्रिजेज कहती है ठीक है नेक्स्ट है शेष अवस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है यानी बड़ों का सम्मान करना किसी कैसे बात करना है नैतिकता क्या सही है क्या गलत है उसका उसको ज्ञान नहीं होता है तो बालक में क्या होता है सामाजिकता व नैतिकता का अभाव होता है सबसे इंपोर्टेंट बात यह है अवस्था में वो यह है कि लड़कों में पित्त विरोधी ग्रंथि ओडिपस तथा लड़कियों में विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है साथियों इस ग्रंथि के कारण ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के माता से अधिक प्रेम करते हैं और जो लड़कियाँ हैं वो पिता से अधिक प्रेम करती हैं ठीक है तो आप इसको कैसे याद रखोगे इसे लड़कों लड़कों में क्या रहा है लास्ट में ओ आ रहा ना ओ तो ओ से क्या हो जाएगा ओडिपस ठीक है जब आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो आप अपने अपने ही पे याद कर लोगे ठीक है तो लड़कों में जो ग्रंथी पाई जाती है पित्त विरोधी उसका नाम क्या है ओडिपस और मात विरोधी गयंती का नाम क्या है इलेक्ट्रा ये एग एग्जाम में आ चुकी है इसको आप ध्यान से पढ़ना ठीक है सिगमन फैड कहते हैं साथियों कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति विकसित या सक्रिय होती है कौन कहते हैं सिंगमन फ्रैड साथियों जो यह विशेषता है ये सिर्फ सिंगमन फ्रैड ही बताते हैं बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो इस प्रवृत्ति को शैशवावस्था में नहीं मानते हैं सिर्फ सिंगमन फ्रैड के अनुसार काम प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है सक्रिय होती है आपको पता होना चाहिए सिगमन की जो यन ऊर्जा है या काम प्रवृत्ति है साथियों यह शेष अवस्था में कैसी होती है सक्रिय होती है बाल्यावस्था में निष्क्रिय हो जाती है और किसी अवस्था में पुनः सक्रिय हो जाती है क्या यन ऊर्जा यानी काम प्रवृत्ति ठीक है और जो शेष अवस्था में सक्रिय मानते हैं उसे कौन मानते हैं सिगमन फ्राइड जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे अब बात करते हैं साथियों शेषावस्था में शारीरिक विकास की यदि हम इसमें शारीरिक विकास की बात करें साथियों तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग कितनी होती है सॉरी शिशुओं की लंबाई कितनी होती है इक्यावन सेंटीमीटर सामान्य रूप से कितनी होती है इंक्यावन सेंटीमीटर यदि हम इसमें शिशु की बात करें यानी बालक की बात करें तो जो इसकी लंबाई होती है वो होती है इंक्यावन सेंटीमीटर कितनी होती है इक्यावन सेंटीमीटर और जो बालका की लंबाई होती है वो कितनी होती है पचास दशमलव पाँच सेंटीमीटर यानी जो आधा सेंटीमीटर बड़े होते हैं वो कौन होते हैं लड़के होते हैं बालक होते हैं किससे लड़कियों से तो सामान्य रूप से जो लंबाई होगी वो कितनी होगी इक्यावन सेंटीमीटर यदि इसमें बालकों की बात करें तो उनकी होती है लंबाई इक्यावन सेंटीमीटर और बालिकाओं की होती है पचास दशमलव पाँच सेंटीमीटर यदि हम इंच में बात करें साथियों तो एक नवजात शिशु की लंबाई होती है कितनी बीस इंच ठीक है और शेष के ख़त्म होते ही यानी छः वर्ष के अंत में जो जो शिशुओं की लंबाई हो गई बढ़ के वो कितनी हो जाएगी एक सौ आठ सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी एक सौ आठ सेंटीमीटर जब वजन की बात करें साथियों तो एक नवजात शिशु का भार लगभग तीन किलोग्राम होता है कई किताबें अलग अलग मिलता है साथियों तो लगभग सामान्य रूप से तीन किलोग्राम से लेके साढ़े तीन किलोग्राम के, के मध्य होता है ठीक है कितना होता है तीन किलो ऑप्शन में या तो तीन किलोग्राम होगा या फिर साढ़े तीन किलोग्राम होगा यदि दोनों आ जाएंगे तो आपको क्या लगाना है ऑप्शन में तीन किलोग्राम ठीक है तो एक नवजात शिशु का भार कितना होता है तीन किलोग्राम छः माह में उसका वजन दोगुना हो जाता है साथियों और शेष अवस्था के अंत में उसका जो वजन या भार बढ़ के कितना हो जाता है सोलह किलोग्राम तक यदि हम एक क्वेश्चन और आता है पौंड में कि जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है विकल्प में आ सकता है आपका क्या छः पौंड सात पौंड आठ पौंड या नौ पौंड ठीक है तो सामान्यतः शिशु का भार जन्म के समय लगभग छः से आठ पौंड के मध्य होता है यदि विकल्प में ऐसे आ जाएगा कि ए छः पौंड बी सात पौंड सी आठ पौंड डी नौ पौंड तो आपका सही उत्तर क्या होगा सात मध्य का हो जाएगा न छः न आठ मध्य का क्या हो जाएगा सात पौंड और वैसे देखा जाए तो जन्म के समय बालक का भार लगभग पौंड में सात दशमलव एक पाँच पौंड और बालिका का भार लगभग सात दशमलव एक तीन पौंड होता है और यह साथियों यूपी की एस -E बुक के अनुसार है है ना कि जन्म के समय बालक का भार लगभग सात दशमलव एक पौंड और बालिका का भार लगभग सात दशमलव एक तीन पौंड होता है ठीक है और हमने क्या बताया है? कि शिशु का भार जन्म के समय लगभग छः से आठ पौंड होता है लेकिन फिर भी यदि विकल्प में आ जाएगी छः पौंड सात पौंड आठ पौंड या नौ पौंड तो इसमें से आपका उत्तर क्या होगा सात पौंड ठीक है आगे हम बात करें साथियों तो वो दांत की बात करते हैं साथियों तो जन्म के समय शिशुओं में कोई दांत नहीं होता है और आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो दांतों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है साथियों वो गर्भावस्था से ही हो जाता है पिस ना जाएगा कि दांतों का निर्माण होना आरंभ होता है शेषवावस्था बाल्यावस्था गर्भावस्था से तो आपका उत्तर क्या होगा गर्भावस्था से ठीक है तो जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है और जो पहला दांत आता है साथ ही वो छः माह में आता है छ माह में पहला दांत आता है और एक बार तक बालकों में लगभग आठ अस्थाई दांत आ जाते हैं क्या हो जाती है अस्थाई दांतों की संख्या कितनी हो जाती है आठ हो जाती है और शेषोवस्था के अंत तक लगभग सोलह दांत आ जाते हैं ठीक है कितने आ जाते हैं सोलह दांत आ जाती हैं और कहीं कहीं कि किताबों में लिखा रहता है कि 18 से 20 दांत तक आ जाते हैं ठीक है तो आपको सामान्य रूप से क्या मान के चलना है कि अवस्था के अंत तक बालकों में 16 से लगभग 20 तक दांत आ जाते हैं किसमें अवस्था के अंत में छः माह में पहला दांत आता है जन्म के समय कोई दांत नहीं होता और दांतों का निर्माण गर्भावस्था से आरम्भ हो जाता है साथ ही जो दांत सबसे पहले आते हैं सबसे पहले नीचे के दाँत आते हैं फिर ऊपर के दाँत आते हैं ठीक है आगे बात की जाए साथियों मांसपेशियों की तो कुल शरीर में मांसपेशियों का भार लगभग तेईस से पच्चीस प्रतिशत तक हो जाता है नवजात शिशु में इस अवस्था के अंत में तेईस से पच्चीस प्रतिशत तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है तो, तो यहाँ विकास ना हो कि यहाँ पे क्या है भार है शरीर के कुल भार में जो मांसपेशियों का हिस्सा होता है वो कितना होता है तेईस से पच्चीस प्रतिशत यानी शरीर के कुल वजन में मांसपेशियों का वजन कितना होता है तेईस से पच्चीस प्रतिशत ठीक है विकास ना हो कि आप क्या कर लीजिए भार होता है मांसपेशियों का भार होता है शरीर के कुल वजन जैसे मान लो शरीर का कुल वजन कितना है यहाँ पे कितना है बीस किलोग्राम तो यहाँ पे जो पाँच किलोग्राम है लगभग पच्चीस प्रतिशत है वो किसका होगा मांसपेशियों का भार ठीक है हृदय की धड़कन की बात करें तो शहस अवस्था में हृदय की धड़कन प्रति मिनट एक सौ चालीस होती है बाद में घट के अवस्था में सौ हो जाती है और किशोरावस्था में कितनी हो जाती है बहत्तर हो जाती है किसकी लड़कों की लड़कों की बहत्तर लड़कियों की उनहत्तर होती है लेकिन सामान्य रूप से हम यही मानते हैं कि किशोरावस्था में कितनी हो जाती है बहत्तर हो जाती है ठीक है तो शेषवावस्था में हृदय की धड़कन एक सौ तो चालीस बाल्यावस्था में सौ और किशोरावस्था में बहत्तर हो जाती है ठीक है आगे हम बात करें साथियों तो शिशु पहले माह में अपना सिर उठाने लगता है क्या अपना सिर उठाने लगता है चौथे माह में शिशु सहारे के, के, के साथ बैठने लगता है किसके साथ सहारे के साथ बैठने लगता है सात माह में बिना सहारे के बैठने लगता है और दस माह में शिशु घुटनों की वर चलने लगता है किसके घुटन घुटनों की वर चलने लगता है और चौदह माह में शिशु खड़ा होने लगता है और पंद्रह माह में शिशु पैरों से चलने लगता है साथ ही उसको आपको याद करना ही पड़ेगा इसकी कोई ट्रिक नहीं है ठीक है तो क्या है एक माह में सिर ऊपर उठाने लगता है दूसरी माह में सहारे के साथ बैठने लगता है सातवें माह में बिना सहारे के बैठने लगता है दसवीं माह में घुटनों पर चलने लगता है चौदह माह में शिशु खड़ा होने लगता है और पंद्रह माह में पैरों से चलने लगता है और अब सत्य अब हम बात करते हैं मानसिक विकास की तो पहले माह में भूख प्यास निद्रा अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक हाथों से और पैरों से क्रिया करता है और रोने पर चिल्लाने लगता है सो रो, रोना और चिल्लाने लगता है साथ रोना रोना रोने नहीं है रोना और चिल्लाने लगता है ठीक है तो साथियों पहले माह में क्या, क्या क्या करता है बालक भूख लगने पर प्यास लगने पर नींद आने पर से से क्या करता है हाथों से और पैरों से क्रिया करता है रोना और चिल्लाने लगता है कब जब उसको भूख लगती है प्यास लगती है या नींद आती है ठीक है दूसरे माह में क्या होता है ध्वनि की प्रति पृथ्वी क्रिया करता है यदि आप कुछ आवाज़ करते हैं तो आपकी तरफ देखता है है ना तो धोने की प्रति प्रतिक्रिया करता है तीसरे माह में यहाँ पे लिख लीजिएगा आप क्या तीसरा माह है जो कि इम्पोर्टेंट है तीसरे माह में साथियों शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है ठीक है कितने माह में तीसरे माह में शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है ठीक है किस माह में तीसरे माह में शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है आप इसको लिख लीजिएगा नोट नोट्स में चौथे माह में साथियों वस्तुओं को पकड़ने लगता है जो खिलौने होते हैं उनको पकड़ने लगता है अनेक आवाज़ें निकालता है परिवारजनों को देख कर मुस्कराता है जो उसके परिवार के लोग होते हैं उनको देख कर वो मुस्कुराता है छठवीं माह में सुनी हुई आवाज़ों की नकल करता है वह अपना नाम पहचानने लगता है जैसे आप कुछ नाम बुलाओगे कि कल्लू है ना कल्लू कहोगे उसको तो वो समझ जाएगा कि उसको ही बुलाया जा रहा है तो अपना नाम पहचानने लगता है आठवीं माह में खिलौने के साथ खेलने लगता है और खिलौने को छीनने पर वह रोने लगता है ठीक है कितने माह में आठवें माह में ठीक है हम बात करें साथी यहाँ पे दसवें माह की किसकी दसवें माह की तो शब्द बोलने लगता है उसका पहला शब्द यहाँ पे बोलने लगता है लेकिन जो प्रथम सार्थक शब्द है वो कितने माह में बोलता है तेरा माह में यहाँ पे चौदह की जगह आप तेरा कर लीजिएगा कितना तेरह तो तेरह माह में शिशु प्रथम सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता है और बीस माह में वह एक वाक्य बोलने लगता है ठीक है एक वाक्य बोले लगता है और तीन वायस की बात करें साथियों तो पाँच व सात शब्दों पाँच व सात शब्दों जिसमें पाँच या सात शब्द होते हैं यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा शब्दों पाँच व सात शब्दों वाले वाक्य बोलने लगता है कौन शिशु और गिनती भी वो कहने लगता है ठीक है इसे संख्याएँ एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे सा बोलने लगेगा ठीक है तो कुछ संख्या वो बोलने लगता है और रेखाएं बनाता है रेखाएं जो ये नहीं कि सीधी हो रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं ऐसी भी हो सकती हैं ऐसी हो सकती हैं ऐसी हो सकती हैं ठीक है तो रेखाएं बनाने लगता है ठीक है तो किसकी बात की हमने मानसिक विकास की आगे बार बात करते हैं चार वायस में साथियों जिज्ञासा प्रबल हो जाती है और चित्र बनाने लगता है वो चित्र बनाएगा कुछ इस तरीके का बनाएगा इसे बन गया ऐसा और ऐसे कर देगा है ना या उसकी जो हाथ पाँव है वो यहाँ कर दे या फिर यहाँ भी कर सकता है तो चित्र बनाने लगता है वो कई बार रेखा बनाता है यानी यदि आप उसको तो रेखा बनाने को देंगे तो कॉपी पर खींचता रहेगा है ना तो कई बार रेखाएँ बनाने कई प्रकार की रेखाएँ बनाता है कई प्रकार के बार बार प्रश्न पूछता है मम्मी ये क्या है ऐसा क्यों होता है क्यों क्यों साथ वो आपको ऐसा वास्तव में ध्यान देना है कि बालक पिछले तो पूछता है लेकिन उसकी उत्तर जानने की इच्छा नहीं होती है ना प्रश्न तो पूछ लेगा लेकिन उत्तर आप दो ये जरूरी नहीं है बस उसका काम क्या है प्रश्न पूछना ठीक है ये क्या है ये क्या है ठीक है आगे है वस्तुओं को क्रम से रखता है जो साथियों बड़ी वस्तु होगी जो छोटी होगी जो उससे वह छोटी होगी जो उससे छोटी होगी इसको क्रम से रखने लगेगा जैसे यहाँ पर कोई वस्तु ऐसी है कोई ऐसी है कोई ऐसी है कोई ऐसी है तो अब वो इनको क्रम से रखेगा पहले ऐसे रखेगा फिर ये रखेगा फिर ये रखेगा फिर ये रखेगा तो वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है ठीक है किसमें हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है और साथियों जो ये समझ आती है उसको लगभग वो आती है किसमें पाँचवें या छठवें वर्ष में ठीक है और छह वर्ष में साथियों पंद्रह से बीस तक गिनती सीख जाता है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोले लगता है ठीक है आगे हम बात करेंगे साथियों अगले वीडियो में संवेगात्मक विकास की इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं और साथियों इसके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है इसमें आपको मनोविज्ञान का जो हमारा पुराना नोट्स है पुराना नोट्स है उसकी लिंक दी जाएगी आप चाहें तो उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि तीन लगभग तीस पेज का है ठीक है वो पुराना नोट्स है उसमें कुछ गलतियाँ हैं और उसको सुधार के मैंने नए नोट्स में बनाए हुई हैं जो नोट्स आपके सामने बता रहा हूँ ये नया नोट्स है तो साथियों यदि आपको नया नोट्स लेना है तो उसमें पेज कितने हैं चार सौ बावन पेज हैं पुराने नोट्स में जो पेज हैं वो तीन सौ तीस पेज हैं और नए नोट्स में चार सौ बावन पेज हैं और कई सारी चीज़ों को हटा के नई चीज़ें जोड़ी गई हैं कई सारी जो टुटियाँ थी थोड़ी दस बारह जगह टिटियाँ थी उनको सुधारा गया है तो ये पुराना नोट्स है और न्यू वाला नोट्स आपको पेमेंट पर मिलेगा ठीक है और इसके पहले बीस पच्चीस वीडियो इनकी तथ्यात्मक तो बनाई जा चुके हैं शह संवस्था का उपनाम विशेषताएँ तो आप इनको जाके भी देख सकते हैं ठीक है और टेलीग्राम लिंक भी आपको दी जाएगी तो आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है जय हिंद जय जे भारत